बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लर्न पॉइंट चैनल पर आपको खुश आमदीद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शुक्रिया। सवाल नंबर एक, बुत शिकन का लकब किस पैगंबर के लिए मशहूर है? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर दो, अबुल अरब किस पैगंबर को कहते हैं? जवाब, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को। सवाल नंबर तीन, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर कितने सहाइफ नाजिल हुए? जवाब, तीन। सवाल नंबर चार, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से कहाँ हिजरत फरमाई? जवाब, मिस्र। सवाल नंबर पाँच, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त मिस्र का हुक्मरान क्या कहलाता था? जवाब, फिरौन। सवाल नंबर छः, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम किस बादशाह के हम असर थे? जवाब, सिकंदर आज़म। सवाल नंबर सात, अबरानी में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का क्या नाम था? जवाब, यसु। सवाल नंबर आठ, बैतुल्ला से क्या मुराद है? जवाब, ये वो मुकाम है जहां हजरत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से मुखातिब हुए थे। सवाल नंबर नौ, फोतीफार जिसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदा उसका लकब क्या था? जवाब, अजीज। सवाल नंबर दस, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान पाक में कितनी दफा आया है? जवाब, एक दफा भी नहीं। सवाल नंबर ग्यारह, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र सबसे ज्यादा किस सूरत में आया है? जवाब, सूरह अल इराफ। सवाल नंबर 12, कुरान मजीद में सबसे ज्यादा किस नबी का जिक्र आया है? जवाब, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। सवाल नंबर 13, सूरह बरात किस सूरह का दूसरा नाम है? जवाब, सूरह तौबा। सवाल नंबर 14, कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह कौन सी है? जवाब, सूरह कौसर। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, शुक्रिया।